नमस्कार दोस्तों मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दोस्तों टारगेट है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी एन बी टू का और ग्रुप डी का जी हां दोस्तों इसमें जनरल नॉलेज और जनरल साइंस की बहुत सारे क्वेश्चन मैं करने वाला हूं अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा कुल मिलाकर ये पाँचवा सेट है इससे पहले के लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो प्ले का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए और इस सीरीज को लगातार जो है फॉलो करिए और पी को समय के बाद आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो इसको यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा तो देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी तो देखिए एक क्वेश्चन होगा डिफरेंट एग्ज़ाम में पूछे गए तो इसको ध्यान रखिएगा तो इंडिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था तो कनुप्रिया अग्रवाल था कनुप्रिया अग्रवाल जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज़ बैट द फर्स्ट प्राइज ऑफ द टेबल्यू ऑन द सेवेंटी सेवेंटी सेकेंड रिपब्लिक डे जो सेवेंटी सेकेंड रिपब्लिक डे 2021 में जो मनाया गया 26 जनवरी 2021 को उसमें किस राज्य की झांकी ने फर्स्ट प्राइज जीता तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर करेक्ट हो होगा और जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उसी के तर्ज पे जो है झाकी थी और उसको जो है फर्स्ट प्राइज़ मिला है क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ई हैंडबुक रिलीज बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज़ एफ एस एस आई टू सेलिब्रेट सेकेंड वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को मनाने के लिए ई राइट ड्यूरिंग कोविड नाइन्टीन जो है हैंडबुक रिलीज़ किया है फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ लिथियम तो देखिए लिथियम की वैलेंसी कितनी है तो देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर थ्री है और एल आई इसका सिंबल है तो देखिए इसका जो है अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो वन एस टू टू एस वन है तो देखिए आउटर सेल में यहाँ पर एक जो है इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैलेंसी जो है एक होगा तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है एटोमिक बेट सिक्स पॉइंट नाइन के आसपास है इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट इसका तेरह है और देखिए बॉडी क्यूबिक यानी कि बी जो है बी सी सी क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका है बी सी सी वॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसको आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट तो देखिए साउंड इज अ मैकेनिकल वेव जी हाँ दोस्तों साउंड जो है मैकेनिकल वेव है बिल्कुल सही है और साउंड वेव डज नॉट नीड एनी मीडियम टू प्रोपागेट यानी कि इसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है गलत है क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है तो ओनली वन इज द करेक्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज फाउंड इन सोप जो साबुन होता है उसमें कौन सा बेस यानी कि छार जो है मिलता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा और इसका फार्मूला होता है ए एन ए एच सोडियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन में यही बेस जो है मिलता है क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट तो देखिए करेक्ट आपके सामने जो है क्वेश्चन है कि करेक्ट बताना है तो देखिए आइसोटोप्स क्या होता है तो आइसोटोप्स जो है जिसमें कि क्या होते हैं तो डिफरेंट मास नंबर जबकि एटॉमिक नंबर इसका सेम होता है तो मास नंबर डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर यहाँ पर सेम होगा जबकि आइसो बार्स क्या होता है तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर और सेम एटॉमिक जो है मास नंबर तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आइसोटोप्स होता है डिफरेंट मास नंबर्स जबकि उसमें सेम होगा एटॉमिक नंबर जबकि आइसो में क्या होगा तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर जबकि सेम एटॉमिक जो है मास नंबर तो मास नंबर जो है जिसमें सेम होगा आइसोबार और नंबर सेम होगा आइसोटोप्स तो दोनों स्टेटमेंट सही है नॉन वायलेंस अपोजिशन तो देखिए नॉन वायलेंस अपोजिशन मनाने के लिए छ्रैल अप्रैल सौ उन्नीस के दिन को महात्मा गांधी ने बोला और ए रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो है ऐसा महात्मा गांधी ने बोला तो ध्यान रखिएगा रॉलेट एक्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म बाय द एन बी एफ सी तो देखिए एन एफ एन बी एफ सी क्या है तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और इसका जो है देखिए फंक्शन है प्रोवाइडिंग लोन उसके बाद मेकिंग इन्वेस्टमेंट और इक्विजिशन ऑफ शेयर तो ये सब काम है लेकिन जो डिमांड डिपोजिट एक्सेप्ट करने का इसके जो है फंक्शन नहीं है तो यही जो है करेक्ट आंसर होगा एक्सेप्टिंग डिमांड डिपोजिट्स देखिए एन के बारे में जान लीजिए तो देखिए एन क्या है तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि कंपनी जो रजिस्टर की गई है कंपनी एक्ट 1956 और देखिए कंपनी एक्ट फिर 2013 में इसको अमेंडमेंट भी किया गया तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना है तो कंपनी एक्ट उन्नीस के तहत जो है इसको रजिस्टर किया गया है और वर्किंग और जो इसका ऑपरेशन है वो रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर अंडर डायरेक्शन इशूड किया गया था 9 नवंबर 2017 को तो ध्यान रखना है कि इसको जो कंपनी रजिस्टर किया गया है कंपनी एक्ट 1956 के तहत और इसका जो वर्किंग और फंक्शन जो है एनबीएफसी का रेगुलेट करता है आरबीआई अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द मैन मेड फाइबर तो देखिए एक जो है नेचुरल फाइबर होता है और एक मैनमेड होता है तो यहां पर रेन जो है मैन मेड फाइबर है जबकि सिल्क लिनन और जूट ये आपको नेचुरल फाइबर देखने को मिलता है अब देखिए क्वेश्चन है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर टू कॉमरेट तो देखिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे आपसे पूछा जाएगा कि जो है कब मनाया जाता है तो 11 मई को हर साल मनाया जाता है तो 11 मई को हर साल जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है क्यों क्योंकि उन्नीस में पोखरन सेकेंड जो है एक्सपेरिमेंट हुआ था इसी के जो है उपलक्ष्य में जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल जो है ग्यारह मई को मनाया जाता है और कब से मनाया जा रहा है तो ग्यारह मई उन्नीस निन्यानवे से और 2021 का अगर थीम पूछा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर इज़ द थीम ऑफ द नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन अब देखिए इसके बारे में और कुछ जो है आपको जानना होगा तो देखिए जो यहाँ पर जो इंडिया का जो यहाँ पर मिशन था सबसे पहला अगर बात करते हैं कि मिसाइ न्यूक्लियर मिसाइल वाइज टेस्टेड इंडिया जो आर्मी जो है पोखरण टेस्ट रेंज राजस्थान में पोखरण टेस्ट रेंज कहाँ पर है तो राजस्थान में है तो कब तो मई उन्नीस में पहला जो है टेस्ट किया गया था जिसका नाम रखा गया था कोड नेम जिसको स्माइलिंग बुद्धा तो स्माइलिंग बुद्धा इसको ध्यान रखिएगा कि इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम था स्माइलिंग बुधा जो कि उन्नीस में टेस्ट किया गया था ध्यान रखिएगा कहाँ पर तो पोखरण वन के नाम से राजस्थान में पोखरण टेस्ट के नाम से किया गया था राजस्थान में और फिर आगे चलकर जो उन्नीस में 11 मई देखिए उन्नीस को ही टेस्ट किया गया इसलिए 11 मई उन्नीस से हर साल जो है ग्यारह मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं और देखिए दूसरा जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ग्यारह मई उन्नीस को तो उसका कोड नेम था शक्ति तो इसको ध्यान रखिएगा ऑपरेशन शक्ति के नाम से इसको परफॉर्म किया गया था ये आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट है अब देखिए क्वेश्चन है कि विच हार्मोन रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी तो देखिए ब्लड शुगर लेवल को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है तो इंसुलिन इसका करेक्ट आंसर होगा तो इंसुलिन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अब देखिए क्वेश्चन है कि हु फाउंडेड द तत्वबोधनी सभा टू प्रोपगेट राजा राम मोहन रॉयस आइडिया तो देखिए ब्रह्म समाज के फाउंडर थे राजा राम मोहन राय और इन्हीं को आइडिया को प्रोपोगेट करने के लिए तत्वबोधि सभा का भी यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ यानी कि फाउंड किए किसने तो देवेंद्र टैगोर ने कब तो छ अक्टूबर अठारह उनचालीस को छः अक्टूबर अठारह सौ उनचालीस को तत्वबोधि सभा का फॉर्मेशन किया देवेंद्र नाथ टैगोर जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है तो देखिए क्वेश्चन है कि हु मेंशन अध्यक्ष एज द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाले थे कौटिल्य तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है तो कौटिल्य थे और तो इसका करेक्ट आंसर कौटिल्य होगा वही मेंशन किया था अध्यक्ष एड द सुप्रिंटेंडेंट ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन तो देखिए कौटिल्य को चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और अर्थशास्त्र जो है इन्होंने ही लिखा है तो आपको ध्यान रखना है देखिए क्वेश्चन है कि विच रिवर इज एसोसिएटेड विद द धुआंधार फॉल तो देखिए धुआँधार फॉल ये कहाँ पर है तो धुआँधार फॉल जो है जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में वहीं पर है और ये नर्मदा नदी पर ही है तो नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर होगा और देखिए धुआँ धार तो धुआँ और धार से मिलकर बना है जो दो हिंदी वर्ड है धुआँ धुआं मतलब स्मोक और अस्मोक और धार मतलब फ्लो यानी मीनिंग वाटरफॉल वेयर वी गेट अस्मोक लाइक फीलिंग तो स्मोक लाइक फीलिंग जहाँ पर आता है तो वो धुआंधार फॉल है जो कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है नर्मदा नदी पर तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ आई होप आपको इस सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर लीजिएगा सो थैंक यू गाइज इस वीडियो में इतना ही